वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टिंग दिस द वीडियो, दिस इज पार्ट सिक्स. ओके एंड स्टार्टिंग है द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन पे कीबोर्ड की क्या बात करें. विंडोज 10 इंक्लूड्स अ मेजर ओवर हॉल ऑफ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फीचर. ठीक है, विंडोज 10 पे बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं वो आप कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं. ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड सर्वर एज अ सब्स्टिट्यूट टू अ मैकेनिकल कीबोर्ड, इम्प्रूविंग इनपुट ऑप्शन फॉर यूजर हु आर चैलेंजेज बाई फिजिकल कंडीशन. ठीक है, ये किसे ये करते हैं, इम्प्रूव करते हैं इनपुट देने में जो फिजिकली चैलेंजेज है. चैलेंजेज मतलब जो विकलांग लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए. ठीक है, वो जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते वो आसानी से इस पर वर्क कर सकते हैं. यूजिंग द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यू कैन टाइप विथ द माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेज. ठीक है, आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे माउस के यूज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं. ठीक है, और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेज सच एज अ जॉयस्टिक्स जिससे गेम प्ले होते हैं, पेन और माउथ स्टिक पेन जिससे आप कहीं पे सिग्नेचर आप करते हैं. कंप्यूटर पे सिग्नेचर तो नहीं होती, तो एक पैड आती है, ठीक है, वहाँ पे आप सिग्नेचर करते हैं ऐसे. पेन और माउथ टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर ओपन करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने, ये देखिए ज़रा. ओके, स्टेप वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करनी है. ठीक है, ये स्क्रीन कीबोर्ड है. ठीक है, कि मतलब स्क्रीन पे ही आपकी कीबोर्ड आ जाएगी, यहाँ से आप कुछ भी ये टाइप कर सकते हैं. ठीक है, ऑन स्क्रीन पर स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए पहले. उसके बाद स्टेप टू, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे क्लिक कीजिए. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन एसेसोरीज. ठीक है, एंड स्टेप फोर, एज ऑफ एक्सेस. ठीक है, एज ऑफ एक्सेस. एंड स्टेप फाइव, नाउ क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. उसके बाद क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे क्लिक करें जैसे आपकी ये ओपन हो जाए. ये हैंडीकैप को काफ़ी मदद करती है क्योंकि वो ओनली माउस से ही यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ओके, शॉर्टकट बटन इन विंडोज. कुछ भी शॉर्टकट बटन होते हैं, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वो क्या क्या होते हैं विंडोज में. देयर आर थ्री स्मॉलर बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ विंडो. टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है, राइट कॉर्नर, इस साइड टॉप राइट कॉर्नर में विंडो के थ्री स्मॉल बटन्स होते हैं. दीज बटन हेल्प यू टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ एन ओपन विंडो और क्लोज द विंडो. ये आपको इसकी साइज, ठीक है, इसकी साइज को बड़ा करना या छोटा करना या उसे बंद करना उसे करने में मदद करती है. दीज बटन्स आर एज फॉलो. ये ऐसे निम्नलिखित है, ठीक है. मिनिमाइज बटन फर्स्ट, ये ऐसे माइनस के साथ होगी. ठीक है, मिनिमाइज बटन. इफ़ यू क्लिक दिस बटन द विंडो श्रिंक्स टू द टास्क बार. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो जो है टास्क बार में जाके श्रिंक्स हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं. जैसे ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट है ये. ठीक है, यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन तो रहेंगे. ठीक है, ये ओपन तो रहेंगे लेकिन ये टास्क बार में चले जाएंगे, आपकी स्क्रीन जो है स्क्रीन पे कुछ और आ जाएगी. ठीक है, डेस्कटॉप आ जाएगी या कुछ और. ठीक है, होम स्क्रीन. आगे है मैक्सिमाइज बटन. इफ़ यू क्लिक दिस बटन इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ विंडो टू इट्स मैक्सिमम. अगर आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हो तो ये उसके साइज को, कुछ भी ओपन किया हो उसके साइज को मैक्सिमाइज करता है. ठीक है, जहाँ तक वो हो सके. द बटन नाउ चेंजेस टू रीस्टोर डाउन, ये वाली बटन. ठीक है, ये आपकी सबसे ऊपर में ही होती है. ठीक है, ये आप बटन को आप प्रेस करते हो. ठीक है,
तो वो रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, रीस्टोर बटन, रीस्टोर डाउन बटन। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमाइज करने के लिए एक रेक्टेंगल टाइप में, और फिर से उसे उसी साइज में लाने के लिए ये डबल एक आती है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे हो जाएगी। ठीक है, रीस्टोर डाउन बटन। इफ़ यू क्लिक दिस बटन, इट रिसाइज द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, अगर ये रीस्टोर यही बटन है, ठीक है, उस पर अगर क्लिक करते हो तो ये विंडो के साइज को फिर से ओरिजिनल साइज में बैक ले आती है। ठीक है, वापस उसी के ओरिजिनल साइज में ले आती है। द बटन नाउ चेंजेस टू मैक्सिमम मैक्सिमाइज आइकॉन। ठीक है, इस ये बटन में आइकॉन्स के मैक्सिमाइज को चेंज करता है। ठीक है, आइकॉन्स जो आइकॉन्स नीचे होते हैं, ठीक है, उसके आइकॉन्स जो सॉरी एप्लीकेशंस होते हैं ना, ठीक है, उसके साइज को मैक्सिमाइज करता है। क्लोज बटन, इफ़ यू क्लिक दिस बटन विंडो विल बी क्लोज्ड। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, वो जो पेज होती है वो बंद हो जाती है। ओके, नाउ दिस इज योर। ठीक है, अगले वीडियो में या पिक्चर के माध्यम से आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।